Trivenika, your friend, and you're most welcome in my channel Vlogs with Trivenika. आज का व्लॉग स्पेशल है, दिवाली स्पेशल, क्योंकि दिवाली अब आने ही वाली है और अभी हम सब लोग लगे हैं अपने घर को बहुत सुंदर से सुंदर डेकोरेट करने के लिए. तो फ्रेंड्स, अब आज मैं आपको आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी दो कुशन कवर्स को सजाना, मतलब पेंटिंग करना, दो कुशन कवर की ऐसी पेंटिंग जो हर कोई कर सकता है. यस, सही सुना आपने, हर कोई कर सकता है बहुत ही इजीली, क्योंकि इसमें ना ही कुछ डिज़ाइन बनाना है ना ही कुछ ड्रॉ करना है, लेकिन बस टू इजी मेथड्स आपको फॉलो करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप बना पाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन. सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि मुझे हमेशा से एक क्वेश्चन आता है मेरे व्यूअर्स की तरफ से कि मैडम, हम ये डिज़ाइन हम कहाँ से ड्रॉ करें, कहाँ से ट्रेस करें, हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है. बट इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा मैसेज बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि ये ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हर कोई इजीली अब कर सकता है. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ आज की वीडियो में कि आप कैसे कुशन कवर्स को डिफरेंट तरीके से उसको एक नया लुक दे सकते हैं. इस वीडियो में मैंने बिल्कुल वाइट, प्लेन वाइट कुशन कवर्स यूज़ किए हैं, बट अगर आपके पास कोई कलरफुल भी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय वाइट कलर कुशन कवर, और इसमें अंदर मैंने एक न्यूज़पेपर लगा लिया है जिससे कि दूसरी साइड में कलर ना आए, स्टेन ना आए और ख़राब ना हो. ये मैंने खुद ही घर में स्टिच किए हैं. मेरे पास एक वाइट पीस रखा था तो मैंने इसमें से ये कुशन कवर प्लेन स्टिच किए हैं. सो आज मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगी कि इनको आप डिफरेंट तरीके से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इनके ऊपर पेंटिंग करके इनको एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं. अगर आपके पास वाइट कुशन कवर नहीं है तो आप कोई कलर्ड प्लेन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये वीडियो जो है उन व्यूअर्स के लिए है जो कुछ यूनिक करना चाहते हैं बट ड्राइंग उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम लोगों की ड्राइंग उतनी परफेक्ट नहीं है, तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही इजी चीज़ आज मैं ये बताने जा रही हूँ. बहुत इजी फैब्रिक पेंटिंग है. तो अभी मैंने, आप देख सकते हैं, पेंसिल से यहाँ पे एक स्टेम ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं इसको कलर करूँगी. ये ब्राउन कलर है फैविक्रिल का, एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से ट्री की लुक दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. और जब भी आप फैब्रिक पेंटिंग करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कलर के लिए हमेशा एक ऐसी प्लेट रखें और ऐसी प्लेट के ऊपर कलर को रख के तभी यूज़ करें, अदरवाइज आपके फैब्रिक पे स्टेन आ सकता है, अनवांटेड स्टेन, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है. सो हमेशा इस तरह से यूज़ करें कलर को. सो मेरा स्टेम रेडी हो गया है और अब मैं आपको बताऊंगी एक इजी ट्रिक कि आप इसको कैसे ट्री की लुक दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने ये दो कलर्स जो हैं थे मेरे पास फेविक्रिल के, एक ये ग्रीन है और एक ये डार्क ग्रीन है, तो मैंने ये दोनों कलर थोड़े थोड़े ले लिए हैं. और अब हमें करना क्या है, जस्ट सिंपल हमें यूज़ करना है अपना थंब. हमने बचपन में बहुत बार थंब पेंटिंग की है, तो अब मैं थंब पेंटिंग से यहाँ पे बनाऊंगी ये ट्री. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ.
सो अब मैं यूज़ करूँगी ये येलो कलर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और इसमें बिल्कुल ट्री इफेक्ट देने के लिए। और फॉर फ्रूट्स के लिए मैं टैप करूँगी फिंगर से ये रेड कलर। तो आइए आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर बॉटम में बनाऊंगी कुछ लीव्स जो ट्रीज़ के नीचे अक्सर आप लोगों ने देखी होगी, और नीचे वाली लीव्स बनाने के लिए मैं फिंगर यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बड़ी नहीं दिखानी है। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं बिना कुछ ड्रॉ किए सिर्फ एक थंब और एक फिंगर की यूज से आप कितनी सुंदर ये ड्राइंग कर सकते हैं। तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। एंड आप सिंपल से कुशन कवर को देखिए मैंने कितना ब्यूटीफुल लुक दिया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कुशन नंबर 2, उसमें मैं करूँगी मंडाला आर्ट। तो आइए सो फ्रेंड दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें मैं करने जा रही हूँ मंडाला आर्ट। मंडाला आर्ट करने के लिए भी हमें बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक ये कंपास जो हर घर में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके घर में इजीली अवेलेबल मिल जाता है, और कुछ ईयरबड्स। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक और ऐसी पेंटिंग जो कि आप ईजीली कर सकते हैं। सो मंडाला आर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से इसको रखूँगी और एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी पेन। सो फॉर मंडाला पेंटिंग मैं यूज़ करूँगी ये वाले कलर्स। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ।
for more small dot, I'm using this matchstick.